जी सरकार से हमारा निवेदन है कि ईद का त्यौहार है हमारा, और जिसमें कि हम सभी मजदूरा लोग हैं परेशान हो चुके हैं इस लॉकडाउन से। अब बताइए सरकार से यही मांग है कि कुछ इन लोगों को दिया जाए, कारचोबियों को और मानने वालों को। अभी इस ईद के त्यौहार पर क्या करेंगे सर, काम तो हो नहीं रहा है। हेलो भैया, ये पूरे भारत में जो है जरिए काम बहुत परेशानी से हो रहा है, इतने टाइम बहुत परेशान हैं हम लोग, और इतनी परेशानी हो रही है कि बहुत खाने पीने के लिए 500 रुपए में क्या होगा ये बताओ। 500 रुपए सरकार दे रही है पूरे भारत में, हमारे पास तो खाता भी नहीं है अपना, कि हम इतने परेशान हैं कि बताओ क्या करें, बहुत परेशानी का आलम चल रहा है। कितने साल होगा लगभग काम करते हुए? काम मुझे कम से कम होगा 12 साल हो गई होंगी सर जी। 12 साल हो गए, तो ये ऐसी परेशानी आपने पहली बार देखी? ये परेशानी कम से कम 4-5 साल से इतनी परेशानी हो गई कारचोबी काम की, कोई कुछ बता नहीं सकते। जरी का काम जो था पहले बहुत अच्छा था, अब तो ऐसा काम हो गया बिल्कुल बेकार हो गया ये। अच्छा। ये समझ लो शादी ब्याह ही नहीं हो रही है इस काम के चक्कर में। सर हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है, बहुत परेशानी है यहाँ पे इमाम बाड़े के सामने से, यहाँ पे कुछ बटने भी नहीं आ रहा, कुछ मिल नहीं रहा, बच्चे भूखे प्यासे रह रहा है, हम भी बहुत परेशान हैं, और घर भी ऐसी है हमारा, सब घर का साहब भी ऐसी है, कुछ भी नहीं है। और बाघागंज इमाम बाड़े के सामने माजे का काम करते हैं हमारे मियाँ, खाने पीने को सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। बाहर के लोग मना कर देते हैं, कहते हैं यहाँ का सब, बोलते हैं कि यहाँ का हिसाब सही है, यहाँ का हिसाब सही नहीं है सर। सामने रहती है इमाम बाड़े के सामने गली में, अभी तक बाकरगंज, अभी तक मुझे कोई 50 ग्राम आटा नहीं मिला है, और लोग आते हैं दर दर दे के चले जाते हैं, और सब आगे के मकान देख लेते हैं, मैं अंदर हूँ साहब, और मेरा टूटा फूटा मकान देखो, ये मकान मेरा सब खस गया है, मेरी भी लिए कोई सहायता करी जाए। मोहल्ला बाकरगंज ईदगाह के सामने बिल्कुल रहती हूँ गली है, हमारे मियाँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब बताइए आपके, देखो क्या नाम, मांझे का काम करते हैं, एक महीना हो गया ऐसी बैठे हुए, घर आपने आप बिल्कुल ही हमारा गिरता हुआ घर रखा, और हम क्या करें ना, मजदूर इंसान क्या खाएं हम, कुछ भी हमारे यहाँ पे कुछ नहीं आया बटने, जो हम कुछ वो करें ना, पैसे का ना कारोबार, तबीयत इतनी खराब के। जी हेलो, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद यामीन है, और मैं जरी का काम करता हूँ। लॉकडाउन की वजह से हम लोग बाहर सब काम करते हैं, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, तो उसकी वजह से हम कहीं बाहर जा नहीं पा रहे हैं, यहीं काम कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से काम धंधा कुछ है नहीं, तो दुकानें सब बंद हैं, कुछ ऐसा करा जाए जिससे ये दुकानों वाने खुल जाएँ, जिससे हमारा काम कुछ चालू हो जाए। किस तरीके की दुकानें? जैसे माल की, मटेरियल की, और ये जहाँ पे हमारा काम जाता है, जैसे दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता है ये काम, तो ये खुल जाए तो कुछ हो। सब 4-5 लोग काम करते हैं, आ रहेगा? क्या हालात है? बहुत ज़्यादा परेशानी है, और देखो क्या नाम, कोई काम है नहीं, सब बंद है, आरी का भी काम नहीं है जो कर ले। अच्छा, ये हमारा बस यही कहना है कि जो भी ये माल वाल की दुकानें हैं ये सब खुल जाए, ताकि थोड़ा बहुत जो काम हो, वैसे भी हम लोग काम करते हैं तो घर का पूरा होता है, और उस पे भी काम है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। ये माल मटेरियल की दुकानें सारी बंद है? हाँ, जैसे माल मटेरियल की दुकानें भी सब बंद है, तो काम वाला काम करवा ही नहीं रहा है, और जब काम वाला काम करवाएगा ही नहीं तो हम लोग कहाँ से खर्चा पूरा करेंगे, और अब तो जो घर के आदमी है वो भी बैठे हुए हैं, उनका भी काम नहीं हो रहा है। मैं पुराने शहर में रहती हूँ, सब काम क्या कहते हैं खराब हो गया है, माल गया हुआ, पैसे मिल नहीं रहे, दुकानें बंद हैं, खाके वाले की दुकानें बंद हैं, माल वालों की दुकानें बंद हैं, हम बच्चों को अपने कहाँ से खिलाएं, सारा काम धाम सब पट हो गया है। आप घर में कितने लोग करते हैं काम? घर में तो मैं ही काम करती हूँ आरी का। अच्छा। हाँ, मेरी छोटी सी लौंडिया है, वो बैठ जाती है मेरे साथ में। अच्छा, तो अभी खर्चा कैसा चल रहा है, कैसे मतलब? अब कैसे क्या चल रहा है, क्या कहते अब जो तो चावल दिए वो फाके क्या करें, हैं उधार सुधार से कहीं कैसे कहीं से हैं क्या खाएं, बच्चों को कैसे खिलाएं, बच्चे चीज के लिए रो रहे हैं, दूध के लिए रो रहे हैं। हाँ जी भाई, हम जरी का काम करते हैं। अब से पहले बहुत सी परेशानियाँ आई कि ये बंद कर दिया कि वो बंद कर दिया, उससे पहले कि एक्सपोर्ट बंद कर दिया, तब जरी का काम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जैसे तैसे करके खर्चा चला रहे जरी काम में। अब ये लॉकडाउन लग गया, मजदूरी पूरी ठीक तरीके से हो नहीं रही है, अब बच्चों को पालना बड़ा करना पड़ रहा है, हर व्यक्ति के सामने दो दो चार चार फैमिली खड़े हुई हैं, अब कैसे करके बच्चों को पालें ये जानना है, कभी हम मेहनत मजदूरी करने जा रहे हैं आज वो भी नहीं मिल रही है, अब इस प्रकार में क्या करें, क्या चोरी करें, क्या करें, कैसे करके बच्चों को खिलाएं, ये हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारा ये इसलिए थोड़ा सा जरी के काम वालों के लिए ध्यान करा जाए, जो हमें थोड़ा बहुत इतना मिले जो बच्चों का खर्च चल सके।
अब इसमें कोई गलत काम करते हैं तो गलत काम करने से भी फ़ायदा क्या है, हमें सिर्फ बच्चों को देखना है, बच्चों के लिए खर्च पानी चाहिए हैं, खाने का साधन हो। यहाँ पे हमारा कुछ बटने को लिए आता तो किसी को नहीं मिलता है, गरीब आदमी को मिलता ही नहीं है साहब, जो उसको मिलता है जो जान पहचान वाला है, गरीब आदमी को मिलता ही नहीं है कुछ। अब गरीब आदमी कहाँ जाए, किससे लड़े हो, किससे कहें। हमारा सिर्फ यही है कि हमें जो भी है थोड़ा बहुत हमारा हिसाब किताब ये बनना चाहिए। जरी वालों का, सब जरी वालों का, सब जरी वाले बेकार हैं, अधिकतर लोग सारे परेशान हैं, लेकिन जरी वाले, मांझे वाले हमारे बाग रेंज में, हुसैन बाग में कुछ ज़्यादा हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मांझे वाले और जरी वाले, इनको थोड़ा सा देखा जाए इस प्रकार से कि मजदूरी के हिसाब से कि बच्चों का कुछ भला हो, और काम धाम इनको ना हो तो कम से कम इतना तो हो कि जो इनको खर्च चल सके, इतना कुछ देखे सरकार। सरकार से सिर्फ हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि इसको देखा जाए, कि गरीब आदमी को देखा जाए सिर्फ।